हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। तो ये मेरे 6 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, ये भी मेरे 6 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, ये मेरे 4 पीस हैं जो 2.5-2.5 इंच के हैं, ये मेरा 1 पीस है जो 3.5 इंच का 3.5 इंच का है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, मैं आपको इनको सेट करना बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये पीस ओपन कर लिए हैं, ऐसे ही हम इन सबको ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीस ओपन कर लिए। तो अब इनको क्या करेंगे, इनके ऊपर लगाएंगे एक एक पीस और फिर हम इनको स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद फ्रेंड्स, जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर हम बीच में से इनको कट करेंगे सिलाई लगा के। तो देखिए मेरे सारे पीस रेडी हो गए हैं। तो अब हम फटाफट लाइन लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैं लाइन लगा रही हूँ बीचों बीच, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो फ्रेंड्स, मैं उल्टी तरफ लाइन लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए हम और ये हमने सिलने वाली लाइन लगा दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से लाइन लगानी है और हमें बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में सिलना है, क्योंकि बीच में से हम इसको कट करेंगे। तो मैं अपने सारे पीस सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस ये सिल गए हैं। तो अब क्या करेंगे हम फ्रेंड, हम इसको बीच में से बीच की लाइन पर ही इनको कट करेंगे। तो ये हमने बीच की लाइन पर इसको कट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डबल शेड के पीस तैयार हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसको हम प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको प्रेस कर लिया। देखिए ऐसे ही हम इसको प्रेस कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए है, वरना आप चाहे तो इन पे ऐसे ही खोल के प्रेस कर लीजिए। तो मेरा ये ज़रा सी ऐसे करने से प्रेस हो जाता है, तो आप भी प्रेस करना चाहे तो प्रेस कर लीजिए, वरना इस तरीके से उसको सेट कर लीजिए। तो मैं सारे पीस कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस कट हो गए हैं और ये मैंने 2.5-2.5 इंच नाप के इनको फिनिशिंग से कट किया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इस पीस को लेंगे और इसके हम 4 टुकड़े कर देंगे। ये हमारे 4 टुकड़े तैयार हो गए हैं। तब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारे 4 पीस हैं उनको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हम एक एक पीस इस पर रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम इन पे पीस रख लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। तो लाइन हम ऐसे लगाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, बाद में हमें इसी लाइन से हमें सिलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी लाइन इस तरीके से लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चारों लाइन लग गई है। अब क्या करेंगे, हम इसी लाइन पर हम सिलाई करेंगे। तो हम एक एक सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को छोड़ के हम यहाँ से साइड में से इसको कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और कट करने के बाद ये इस तरीके से ओपन होगा। इसी चीज़ में भी आपको फ्रेंड्स कंफ्यूजन लगे तो मुझे मैसेज करना। ये देखिए ऐसे हमें इनको कट कर लेना। तो मैं कट कर लेती हूँ और इस तरीके से सेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर ली है और सेट भी कर ली है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको रखेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। हमारे जोड़ से जोड़ फ्रेंड्स मिलने चाहिए, वरना डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस सिल गए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको इस पर रखेंगे, जोड़ का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल जोड़ से जोड़ मिलने चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने जोड़ से जोड़ मिला लिए हैं और इसमें हमने एक पिनअप भी कर लिया है। तो अब यहाँ से सिलेंगे और फिर आपको पूरा डिज़ाइन सेट करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ये डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 2 पीस लेंगे, इसको सिलेंगे यहाँ से और फिर हम इसके ऊपर इसको पलट देंगे, ऐसे जोड़ से जोड़ को मिलाए रखेंगे। तो हम ये पीस यहाँ सिलेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही सिल लेंगे और इस पर जोड़ेंगे।
फिर हम एक एक लाइन इनको सिलेंगे। तो पहले मैं आपको ये दोनों पीस जोड़ लेती हूँ इसमें, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरे बीच का हिस्सा सिल गया है, अब हम इनको सिलेंगे। तो हम क्या सिलेंगे फ्रेंड, पहले हम इसको रखेंगे यहाँ और यहाँ सिल लेंगे, इसको पलट देंगे तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे। इसको भी हम ऐसे रखेंगे और यहाँ सिलेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड, फिर हम ये दो पीस आपस में ऐसे रखेंगे और सिलेंगे। तो मैं ये लाइन भी आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, फिर सेम पीस हम ये सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस सिल गए हैं। अब इन पीस को हमें इस पर रख कर यहाँ सिलना है और इसको भी ऐसे रख कर यहाँ सिलना है। तो अब सिलने से पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले हम इसको रखेंगे और सारे जोड़ से जोड़ को मिला लेंगे। जोड़ से जोड़ मिलाना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने जोड़ से जोड़ मिला लिया, अब हम यहाँ पिन लगाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पिन लगेगी फ्रेंड्स, फिर यहाँ पिन लगेगी। तो मैं आपको पिन लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पिन लग गई है। अब मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी और पलट दूँगी। तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ और ये इसको भी सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस तैयार हो गया है, अच्छे से मैंने सिल लिया है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ऐसी खूबसूरत खूबसूरत वीडियो बनाइए, डिजाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।